प्रदेश की कांग्रेस सरकार मॉब लिंचिंग कानून ला रही है। यह कानून गौहत्यारों को संरक्षण प्रदान करेगा। आज प्रदेश में गौहत्या के विरोध में सख्त कानून होने के बाद भी जब गौहत्या एवं गौ तस्करी नहीं रुक रही है, तो यह नया कानून अगर लागू होता है तो गौ तस्करी एवं गौहत्या खुलेआम होने लगेगी। मॉब लिंचिंग कानून के अंतर्गत यदि गौरक्षक गौ तस्करों को रोकने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इस कानून के अंतर्गत गौरक्षकों को ही अपराधी माना जाएगा। इसलिए आज मॉब लिंचिंग कानून के विरोध में भारत स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग कानून के विरोध में नारे लगा रहे थे। ये ज्ञापन इस विषय में दिया गया है कि अभी प्रदेश सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो अभी प्रदेश में एक नया कानून लेके आ रही है जिसका नाम है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब तो ये है कि अगर भीड़ किसी को मार दे, लेकिन इस कानून के अंतर्गत सिर्फ गौरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा विरोध यही है कि अगर आप मॉब लिंचिंग का कानून लाया जा रहा है तो वो सबके लिए हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रही है, उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। और इस कानून के अंदर ये है कि अगर कोई भी गौ तस्करी करता है और अगर हमारी आँखों के सामने से भी ले जाता है, हिंदू समाज की आँखों के सामने से ले जाता है, तो हम उसको अगर रोकते हैं तो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा हम लोगों के लिए है, 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना हम लोगों के लिए है। मतलब जो गौ तस्करी कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ये कर रही है, तो उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन आज यहाँ पे दिया।